एक साजिश के तहत बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादक क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक के अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई और तब से तब से मैं मैदान में हूँ तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ़ आवाम की तरफ लेके जा रही है और आवाम को जगा रही है शौर दे रही है और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है जो मैंने इन सात महीने में देखा मैंने अपनी छब्बीस साल की सियासत में ये नहीं देखा और जो मैंने अपने लोगों को बदलते देखा जो मैंने अपने नौजवानों को ख़ास तौर पर और नौजवानों यानी नौजवान वो जो कि बच्चे भी थे बारह साल दस साल के बच्चे मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा पर्दादार ख्वातीन को ज, ज, आ, मार्च के साथ साथ चल रही हैं बच्चे लेके अपने छतों के ऊपर मैंने रास्ते में देखा छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं दुआएं कर रही हैं तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक जागी हुई कौम एक बाशूर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते गुलाम गुलाम ही रहते हैं और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आज़ादी के लिए तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई सात महीने पहले सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियाँ दी इसमें पच्चीस पे।, पे ये मैं कभी भूलूंगा नहीं पच्चीस पे में जो हमारे साथ जुल्म किया गया यही जो फैशिस्ट जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसलत किए जब हमें हटा के तो जो लोगों के हमारे ऊपर मुसलत किया गया ये पाकिस्तान को तीस साल से मुख्तफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना लोगों को मरवाना मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पूरा मन ऐतजाज करने वालों को कत्ल करना गोलियां मारना पुलिस के जरिए पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना यह शबाज शरीफ के ऊपर आ, 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 इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में सतानवे से ननानवे तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई सौ लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए वो जो आबिद बॉक्सर है उसने टीवी के ऊपर आके बताया वो जो पुलिस वाला था कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया राना लोग के ऊपर अठारह कत्ल आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए सारा फैसला बात जानता है इसको कब्जा ग्रुप हर जुर्म ये आ, शरीक है इन्होंने मिलके पच्ची मई को हमारे ऊपर जो किया घरों में गए कारकुनों के घरों में गए उनकी औरतों को उनकी औरतों के सामने यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए बच्चों को लेके गए थानों में रात को लेके गए कोई हर इस मुल्क के जो हकूक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में और इन्होंने फिर जो औरतें बच्चे यानी हमारी हमारी जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं कभी पाकिस्तान में ऐसे जलसे नहीं हुए हमारी जो प्रोटेस्ट है जो एहतजाज है उनके पर फैमिलीज आती हैं औरतें बच्चे आते हैं ऊपर से लेके नीचे तक इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम से दीदी मदरस सारे लोग शिरकत करते हैं और उनके ऊपर उन्होंने शैलिंग की जुल्म किया दो लोग शहीद हुए कई जख्मी हुए जेलों में लोगों को डाला एफ आई आर की बारिश हो गई तेईस एफ आई आर मेरे ऊपर काटी सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर जब मेरे दौर में तीन लॉन्ग मार्चेस की गई गई दो फजल रहमान ने और एक बिलावल ने हमने तो कोई नहीं रोका हमने कोई एफ आई आर नहीं काटी हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आइन और कानून इनको इजाजत देता था हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं हमारे तो पच्चीस मई को इन्होंने किया उसके बाद एक खौफ की फजा बन गई एक डर्टी हैरी आ गया इस्लामाबाद में उसने और ज्यादा जुल्म शुरू किया तशद किया लोगों पे केसेस बनाए सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला और जेलों में भी नहीं डाला पकड़ उठाते थे उनको मारते थे और फिर अगले दिन वापस घर दे देते थे धमकियां दे के जो खौफ की फजा बनाई गई जनरल मुशरफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया वहां मैंने ऐसा नहीं जुल्म देखा उसके दौर में जो इन्होंने जिस तरह हमारे ऊपर जो स्टेट को पूरी तरह उसका जो जुल्म हमारे ऊपर किया हमें ऐसे लगा हम पाकिस्तानी नहीं है मैं जो जिसको ये कौम पचास साल से जानती है वो पाकिस्तानी पचास साल से जानती है कौम हर किस्म का पाकिस्तान का सिविल अवार्ड मुझे मिला हुआ है दुनिया में मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता था मुझे इन्होंने इस तरह रखा जैसे कि मैं कोई बैरूनी मुल्क का गद्दार हूं जो मेरे नौकरों को इन्होंने एजेंसीज ने आके पैसे दे के उनको उनको अपनी तनख्वाह पर रखा मेरे ऊपर कोई डिवाइस रखने के लिए आगे भी इनके प्लान बने हुए थे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे उसके अलावा जो इन्होंने शहबाज़ गिल को जिस तरह एक एक कोई जुमला कह दिया पकड़ के एक जुमला टीवी पे कहा पहले तो टीवी बंद कर दिया एयर वाई उसके ऊपर उसका वो वो जो प्रोड्यूसर था उसको उठा के ले गए रात के तीन बजे शहबाज गिल को नंगा करके उसके ऊपर तशद किया एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कोई आम आदमी नहीं यानी चले कोई कोई दहशत गर्द होता चले मैं मान भी कोई बैरून मल गद्दार होता कोई मुजरिम होता एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इन्होंने नंगा करके मारा सिर्फ खौफ फैलाने के लिए ये जो डर्टी हैरी आया इसने सोचा कि ये जिस तरह ये पहले करता है बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ हमारे ऊपर वो शुरू कर दिया फिर आजम स्वाति से क्या किया पचहत्तर साल सेनेटर ये हमारे ये मैं आप बता रहा हूं कि हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई उसको ट्वीट के ऊपर मारा पहले घर में उसके पोता पोतियों के सामने फिर जाके नंगा करके उसको एजेंसी के हवाले किया जिधर उसको उसके ऊपर तशद किया गया और उसके बाद डराने के लिए कि उसका मुंह बंद हो जाए उसके मियां बीवी के सेट उसकी बीवी को भेजी कभी मुल्क ऐसे नहीं गिरा और सिर्फ बताने के लिए कोशिश करने के लिए हमें बताने के लिए कि जो तुम्हारे से बोलेगा हम तुम्हें हम तुम्हारे ये मिसाल बनाएंगे और पैगाम भेजे गए आजम स्वाति के ऊपर जब तशद हो रहा था तो उसे कहा कि यह इमरान खान से हम ये करेंगे कि जिस तरह इमरान खान डर जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा और फिर मेरे ऊपर जो जो कातलाना हमला किया गया जो मुझे पहले से ही पता था कि तैयारी हो रही है कि दीनी इंतहा पसंद ने जो इमरान खान को मार दिया पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई इसलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि किस कौन सी एजेंसी ने ये वीडियो बनाई किसके कहने पे बनाई कौन सा वो ऑफिसर था उसके कहने पे पहले वो बनाई गई उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी से, या कुछ है उसने वो इनसे लिंक है और मुझे पता था क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है उसने फिर जाके उसको उठाया फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर पीटीवी टी वी चार दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तोहिन की है और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा मैंने ये चौबीस सितंबर को भी पब्लिक को बताया और फिर छः अक्टूबर सात अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर जो मैं छोड़ें कि मैं इमरान खान हूँ कोई भी दुनिया का मुल्क हो उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है जो एक फेडरल पार्टी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती नहीं तो इस पाकिस्तान ने लैदा नहीं होना था पोलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं और जो पार्टी सारे मुल्क में वाद पोलिटिकल फेडरल पार्टी है उसको खत्म करने की कोशिश की गई हर कोशिश की गई उसे खत्म करने की और ये कौन कर रहा था क्या इसका मकसद था इसके ऊपर मैं एंड में, में आऊंगा लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की उसके बावजूद हमने ये मार्च की और हमने मार्च इसलिए की पॉलिटिक्स के लिए नहीं की ये सियासत के लिए नहीं हो रहा मुझे छह महीने में हर जगह पे कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है कई जगह चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजता था कि जी आपकी जान मुल्तान का जलसा ना करें आपकी जान खतरे में कई जगह है इसका मुझे खुद पता था कि ये प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का उसके बावजूद मैं निकला और आज इन मैं अभी आपको डेट दूंगा एंड में कि मैं आ रहा हूं पिंडी मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है सबको पता है क्योंकि ये लोग जो जिन्होंने अभी कोशिश किया ये अभी भी वहीं बैठे हैं तो मुझे पता है जान खतरे में है लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा सियासत के लिए नहीं मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है और ख़ास तौर पे इन चोरों की गुलामी ये जो स, तीस साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था इकट्ठा बैठ गया है जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था इनकी ग़ुलामी से या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे उससे बेहतर है मर जाओ मैं इसलिए निकल रहा हूं और मैं अपनी सारी कॉम को भी कह रहा हूं कि देखें आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं और बच्चों ने जिंदगी में एक घंटा काम नहीं किया वो उनका सिर्फ काम उनको सिर्फ एक चीज आती है मनी लॉन्ड्रिंग वो छोटे छोटी उम्रों में वो अरबोपति बन गए थे क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं ये जो चार लंदन में महंगे अरबों रुपए के मेफेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं ये मरियम के नाम पे तब थी जब ये कोई बीस इक्कीस साल की थी और ये जो उसका बेटा है हसन शरीफ दस अरब रुपए का घर बेचा इसने लंदन के अंदर किधर से पैसा आया तो ये सारे बच्चे शुरू में ही ये जो तैयार कर रहे हैं बच्चे इनकी ये खासियत है कि ये मनी हैं सारे वो बिलावल अब बिलावल मैं आपको ये बताऊं कि सियासत में तो इसका कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा उर्दू अभी तक सही तरह बोला नहीं है यानी हर दफा उर्दू बोलता है तो और लोगों को समझ नहीं आती क्या क्या रहा है, लेकिन इसका मैं आज आपको पेशन को ही करता हूं, इसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस पे लगेगा कि इसके बाप ने चोरी करके पैसा दुनिया में किधर किधर रखा हुआ है यह ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा किधर किधर रखा हुआ है तो इनके नीचे अगर ये कुछ समझता है कि ये एक अजीम कौम इनकी गुलामी करेगी ये कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी इनको इसलिए यह मार्च है और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है ये अभी खत्म नहीं होगी मैं आखिर में बताता हूँ कि हमने किस दिन क्या करना है लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि ये मार्च ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद नहीं करते हम नहीं रुकेंगे आप तो हकीकी आजादी की मैं सारी कौम को याद करा दू दो उसके सुतून हैं जिसके ऊपर हकीकी तौर पर कौम आजाद होती है सबसे पहला कौम के फैसले कौम में हो किसी और कौम की गुलामी ना करे हम किसी किसी सुपर पावर की गुलामी ना करें ला इस नारे के ऊपर बना था पाकिस्तान लाला ला एक दावा है कि मैं आजाद हूं मैं सिर्फ एक एक अल्लाह के सामने झुकता हूं बाकी मैं आजाद हूं एक खुदारी का यह दावा है एक कौमी गैरत का दावा है ये हो, ये नहीं होता कि वहां जाके दुनिया के बाहर चक्कर मारो और हाथ फैला के कहो कि मैं मांगने तो नहीं आया मैं मजबूर हूं इसलिए तो यह नहीं मुल्क बनाता इसलिए तो कायद आजम जब उनको पता भी था कि उन्होंने जिंदा नहीं रहना ज्यादा देर पता नहीं चलने दिया अपनी बीमारी का कि कहीं पाकिस्तान कोई रुकावट ना आ जाए पाकिस्तान ना बनने में ये वो कुर्बानी थी हम बड़े हो रहे थे जमान पाक में तो वहां इतने लाखों लोग हिंदुस्तान से जो आए थे कोई शायद ही कोई था जिनके घर में कत्लेआम ना हुई हो तो ये तो कुर्बानियों के नाम पे बना था इसलिए नहीं बना था कि हम अंग्रेज से आजाद होके तो अब हम किसी और सुपर पावर की गुलामी करें लिहाजा एक हम मुल्क चाहते हैं जो सॉवरन हो कौम के फैसले कौम में हो और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो फॉरन पॉलिसी देख लो आजाद फॉरन पॉलिसी मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे हम तुम्हारे हमारे तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते खड़े हो गए अमेरिका नाराज हुआ लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा हमने भी वही किया था लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं जो साजिश के तहत आए हैं सात महीने हो गए इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में यानी लोग डूब गए हैं लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनके इनका जो आका है वो नाराज ना हो जाए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर कभी भी हम कोई भी जो फैसले करें उसकी नंबर वन चीज होनी चाहिए कि क्या मेरी कौम का इसमें फायदा है या नहीं है हमारी कौम का फायदा नहीं था जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की और अस्सी हजार अपने लोग मरवा लिए हमारी कौम के मुफाद में नहीं था लेकिन ऊपर जो सरबरा बैठा था वो प्रेशर ही नहीं ले सका घुटने टेंग दिए और ये जो जो जरदारी और नवाज शरीफ आए ये और ज्यादा उनके सामने लेट गए 400 ड्रोन अटैक हुए इनके दौर में चार ड्रोन अटैक कभी दुनिया की तारीख में मुझे एक मिसाल बता दें कि आप जंग किसी की लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहा हो एक दुनिया में मिसाल नहीं है क्योंकि ये कोई मुल्क की आजादी के लिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ये दो खानदान का इंटरेस्ट ये है कि पैसे कैसे बनाने हैं मुल्क से बाहर कैसे लेके जाने हैं और फिर उस पैसे को बचाना एन के जरिए क्या है और फिर अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो फिर आगे चलते जाए इससे आगे इनका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान नीचे जाता है पाकिस्तान का दिवालिया निकलता है इनको क्या फर्क पड़ता है इनके पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हैं अगर रुपया गिरेगा भी तो इनका तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी तो इनका मफाद तो ये नहीं है कि पाकिस्तान एक आजाद खुददार कौम बने इनका तो यह है कि यह इकतदार में कैसे रहे और पैसा कैसे बने और बचाए कैसे सो सबसे पहले हम ये कभी इस मुल्क को जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े हैं देखिये कौमें कुर्बानियां दे के आजाद होती है मैं बार बार आपको कहता हूं कौम जब इकट्ठी हो जाती है फैसला कर लेती है कि हम एक खुदार कौम होंगे आप अपने पैर पर खड़े होंगे वो कौम खड़ी हो जाती है अपने पैर पर लेकिन जब एक कौम की साहिब इकतदार वो चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पैसा भेजें अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और फिर जब आप मक्रूज हो जाते हैं क्योंकि डॉलर जब आप बाहर भेजते रहते हैं और आप पॉलिसी सही बनाते नहीं हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाते नहीं हैं तो आखिर में जब डॉलर मकरूज हो जाते हैं फिर आप घुटनों पर आ जाते हैं और फिर अपनी आजादी खो बैठते हैं दूसरी चीज और यह भी मैं आप सबको कहता रहा हूं मैंने नाम भी अपनी पार्टी का इंसाफ रखा था कि जो इंसाफ है इसका मतलब है इसका इंसाफ का मतलब क्या है मैं फिर यह आपको समझा दू कानून के सामने सब एक बराबर इंसाफ इंसानों को आजाद करता है क्योंकि अगर अगर इंसाफ नहीं होता माशरे में तो जो कमजोर होता है वो ताकतवर का गुलाम होता है जो जंगल का कानून है जंगल के कानून के अंदर इंसाफ नहीं होता ताकत की हुक्मरानी होती है जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म करता है वो तो कमज़ोर को कोई बचाने के लिए नहीं आता तो जब इंसानी माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता वो जंगल का कानून बन जाता है इसका एक नाम दिया हुआ दुनिया ने बनाना रिपब्लिक वो बिनाना रिपब्लिक बन जाता है जिधर इंसाफ नहीं होता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता ये हमारा स... उससे भी बड़ा मसला है पहले से भी बड़ा मसला कि यह इंसाफ ही नहीं है हमें मिसालें आप बार बार हर रोज देता हूं कि आज़म स्वाति को अगर इंसाफ़ नहीं मिल सकता पाकिस्तान के सेनेटर को एक आदमी जो अपनी सारी कमाई बाहर करता है और पाकिस्तान कमाई लेके आता है उसको इंसाफ नहीं मिल सकता उससे जुल्म की इंतहा होती है अरशद शरीफ को इंसाफ़ नहीं मिल सकता सारी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरदरी को सोचना चाहिए और मुझे मैं थोड़ा मायूस भी हूँ अपनी सहाफ़ी बरदरी से कि जो अर्शद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है। लेकिन जो अर्शद शरीफ से हुआ अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे और आपको स्टैंड लेना चाहिए था जिस तरह उसके ऊपर एफ आई आर काटी गई उसके ऊपर धमकियां दी गई क्यों धमकियां दी गई कि जो आपका मौकाफ है क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था अरशद शरीफ क्या कर रहा था उस साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था उसको धमकियां मिल रही थी उसको जान की फिर धमकी दी गई जब वो उस और इसकी इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया ये अगर अरशद शरीफ नंबर वन पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही होगी सही माने में किसी को इतम नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है इंसाफ नहीं मिलता मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं एफ आई आर नहीं रजिस्टर करवा सका पुलिस वाले कहते कि जी हम हमारी पंजाब गवर्नमेंट है हमारी पुलिस है वो तो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मेरे से मुझे मैं इस्तीफा दे, दे देता हूं मैं नहीं ये कर सकता क्योंकि ताकतवर था दूसरी तरफ डर्टी हैरी उसका नाम सुनकर सारे डर जाते थे ये भी तैयार हो गए कि हां जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर देंगे और जो वो है दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर उसके खिलाफ भी लेकिन ये कोई खास है कि इसको हम नहीं कुछ कर सकते ये कोई ऐसी ताकत वाली चीज है ये कानून के ऊपर है इसको लाइसेंस टू किल है ये जो भी करेगा हम इस मुल्क का कानून इसको नहीं पकड़ सकते तो ये बात मेरी नहीं है अब यह अब सबकी है सारी कौम की है कि अगर ये ऐसे मुल्क चलाना है ये मुल्क आ हम जो मर्जी कर ले जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाए ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता हजरत अली रजी का कॉल है और मैं ये बार बार अब से नहीं छब्बीस साल से यह बता रहा हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता और अगर आपने देखना है नहीं चलते हुए तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब मुल्क देख लें जिनको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं वो सारे गरीब मुल्क हैं एक एक गरीब मुल्क आप जाके देख लें सब यही हाल है उधर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं शरीफ और जरदारी खानदान चोरी करते हैं पैसा बाहर बेचते हैं उनका इंसाफ का निज़ाम नहीं उनको पकड़ सकता उधर भी डर्टी हैरी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इतने तकड़े हैं सब डरते हैं उनसे उन जो मर्जी करें कर सकते हैं कानून के ऊपर है वो और दूसरी तरफ सारे अमीर मुल्कों में चले जाए दुनिया के सारे पैसे वाले मुल्कों पर चले जाए जिधर खुशहाली है जिधर हमारे पाकिस्तानी इतनी कोशिश करते हैं यहां से वीजा लेके बाहर जाने के लिए हमारे नौजवान तरसते हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाए क्यों क्यों क्युं करते हैं क्योंकि वहां खुशहाली है तो खुशहाली की बुनियाद किस पर रखी गई है इंसाफ के ऊपर वहां सबसे बड़ी चीज इंसाफ है आप मैं जब बरतानिया में गया तो वहां आपको कोई कब्जा ग्रुप नहीं नजर आता किसी के जमीनों पर कब्जे किसी की जरूरत नहीं है करने की क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं वहां आप को, अगर कोई ताकतवर ये कर, समझता है कि वो कानून तोड़ेगा और वो बच, वो बच जाएगा बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बाहरी अक्सरियत से जीतने वाला बोरिस जॉनसन एक कानून छोटा सा तोड़ता है यहां खबर भी नहीं बनी थी पाकिस्तान में कि वो एक लोग ऑफिस के लोग जमा हो जाते हैं जब कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग थी उस चीज के ऊपर वो रिजाइन कर देता है क्योंकि उसने कानून तोड़ा है जो लोगों के लिए बनाया हुआ था वहां इंसाफ का निजाम ऐसा है कि हर जो कमजोर से कमजोर आदमी भी है उससे पता है कि मुझे तहफ्ज मिलेगा क्योंकि जो उनकी अदालतें हैं जो उनका इंसाफ का निजाम है वो उनके हकूक की हिफाजत करता है हमारा मैंने आपको अपनी मिसालों को दी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मेरे ऊपर ये जियो ने ये एक ये जो घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग और, और डर्टी हैरी भी था इन्होंने कहानी बनाई मेरे ऊपर कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया अब मुझे अगर मुझे पाकिस्तान की मैं केस तो यहां भी करूंगा लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं इसके ऊपर केस कर रहा हूँ मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं ये जियो और शकील रमान इसका जो ये जो ग्रुप है और मैं दुबई में केस कर रहा हूँ और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां मुझे पता है कि इसने जो मेरी मेरे ऊपर ये जो ये आ, मेरी इज्जत की तोहन की है मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में क्योंकि मेरा केस लड़ा हुआ हूं वहां बहुत बड़ा केस हुआ था मेरा और एन बोथम का बरतानिया की अदालत में वो मेन हेडलाइंस केस था तीन हफ्ते वो केस चला था मुझे पता है वहाँ अदालतें कैसे चलती और वो भी वो भी यही था ए, हरजाना का केस था तो मुझे तो पता है वो कैसे चलता है और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है इसके ऊपर जो हरजाना होगा इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारे हमें भी यहां देखना चाहिए हमारी अदालतों को भी कि हम क्यों ये नहीं कर सकते क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते क्यों एक एक मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह गंद उछाला जाए किसी के ऊपर भी किसी इंसान पे भी लेकिन यहाँ तो यहां तो कोई भी पूछने वाला नहीं है और ये है इसको मैं कहता हूं क्यों वो खुशहाल है मुल्क क्योंकि आप और तो छोड़े ना दुनिया में सरमाकार जो आपके पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की बिजनेस आज मगरब में हैं जो यूरोप में हैं जो अमेरिका में हैं जो दुबई में हैं आप उनसे पूछे ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं सरमायाकारी करते हमारा एक करोड़ है पाकिस्तानी बार बैठा हुआ अगर पाँच लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान में आके सरमाकारी करनी है आप ये यकीन दें यकीन से मैं आपको कहता हूं कि यहां इतना डॉलर आ सकता है पाकिस्तान में कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहां पाकिस्तान में सरमाकारी करनी शुरू कर दें हमें कोई मसला ना हो कि हम भागे फिर रहे हैं कभी यहां पैसे मांग रहे हैं या हमारे रुपया गिर रहा है लेकिन वो आते क्यों नहीं है उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आकर सरमाकारी करते सबसे बड़ा मसला ये होगा एक अंग्रेजी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। उनको ये खौफ होता है कि अगर उनसे या कोई यहां कोई फ्रॉड होगा तो यहां उनको कोई तहफ नहीं मिलेगा यहां अगर वो प्लॉट भी खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी कब्जे हो जाते हैं मैं जब बाहर जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से शौकत हानम के लिए नमल के लिए तहरीक इंसाफ के लिए तो मेरा जब उनसे मैं मिलता था और आप से नहीं तीस सालों से बात कर रहा हूँ हमेशा वो ये कहते थे कि हमारे प्लॉटों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं और वो केस फंस जाता है जाके अदालत में और फिर वो आखिर में हमें वो कब्ज़ा ग्रुप आगे कहता है अच्छा जी जो प्लॉट की कीमत थी हज़ार रुपये वो कहते जी ये सौ रुपये लोअर जान छोड़ो ये इतने पाकिस्तानियों से हुआ है तो जब प्लॉट ही वो खरीद सकते इस मुल्क में और उनको खौफ है कि उसके ऊपर भी कब्जा हो जाएगा तो सरमाकारी कौन करेगा तो हमारे मुल्क का जो मुस्तबिल है वो वो जिधर ये ले आए हैं पाकिस्तान को जो हमें खड़ा कर दिया दिवालिया निकाल दिया हमारा इन सात महीने में अब जो आगे आगे हमने मुल्क को जब उठाना होगा तो उसके लिए हमें अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी ये जो बड़े बड़े डाकू जो हर बारी चोरी करके और एनआरओ एनआर ओ लेते ले हैं ये किसी महजब माशरे में इसका तस्वर नहीं है कि इन्होंने कानून पास किया असेंबली से और सारे जिन जिन के ऊपर केसेस थे नैब में वो बाकायदा शिक्के हैं जिसमें बड़े बड़े डाकू बच रहे हैं उसमें जरदारी किसी में बच रहा है मरियम किसी में बच गई है जो और इनके लोग फंसे हुए सब बच रहे हैं ग्यारह सौ अरब रुपया जो इस कौम को आना था वो सारा इन्होंने हजम कर लिया है कानून बदल के अपने आप को फायदा अपने आप को एन आर ओ दे के तो जब ताकतवर चोरी करके भी नहीं पकड़ा जाए कमज़ोर को तहफ़ ना मिले वो कौम आज़ाद नहीं होती वो अपनी आज़ादी खो बैठती है जिस तरह हज़रत अली का कौल है कि वो निज़ाम नहीं चल सकता और ये हमारा नहीं है ये सारे गरीब मुल्कों का यही कहानी है तो इसलिए दूसरी चीज है ये हमारी जद्दोजहद चलेगी ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए और ये चलती रहेगी ये मार्च से आगे चलती जाएगी ये तो तहरीक चलती जाएगी जब इन जब तक हकीकी तौर पर अपने मुल्क को आज़ाद ना करें अब मैं अब मैं दो तीन और आखिर में बातें करता हूं आ, डेट क्योंकि मैंने आपको अभी डेट दे रही है कि हमने किस दिन इंशाला इस्लामाबाद सब ने पहुँचना पिंडी पहुँचना किस दिन वो मैं आपको भी डेट देने लगा हूँ लेकिन मैं आज सात महीने हो गए हैं हमारी गवर्नमेंट को हटाए तो मैं आज आ, अपनी जो ताकतवर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है जिनके पास ताकत है जो इस मुल्क को जो इस मुल्क को किसी तरफ भी ले जा सकते हैं आ, आ, पॉजिटिव भी ले जा सकते हैं निगेटिव भी ले जा सकते हैं तो मैं उनसे आज एक सवाल पूछता हूं मेरा यह सवाल है और क्योंकि मुझे इसका कोई जवाब आया नहीं अभी तक कि ये लोग जो दो खानदान थे जनरल मुशरफ ने इनको हटाया जब निन्यानवे में तो दो दो, दो दफा ये करप्शन में नब्बे की दिहाई में निकल चुके थे और केसेस करप्शन के इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी करप्ट है पीपल्स नवाज शरीफ करप्ट है वो कहती थी जरदारी करप्ट है जरदारी को जेल में नवाज शरीफ ने डाला और फिर इन दोनों को मुशरफ ने हटा दिया और लोगों ने मिठाइयां बांटी और करप्शन पर हटाया उसके बाद इन्हीं को जनरल मुशरफ ने एन आर ओ दे दिया और उसके बाद इन्होंने दस साल जो मुल्क से किया है चार गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया लोगों ने इनके गुस्से में मुझे वोट दी दो हजार अठारह में अब मेरा सवाल यह है कि वो क्या चीज थी कि एकदम सवा तीन साल के अंदर यही लोग कि पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गए एस्टेब्लिशमेंट के लिए और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की लेकिन रोक तो सकते थी ना जानते तो थे इन इनका माजी क्या इनका माजी नहीं पता था फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज़ के पास इनकी चोरी की सब कुछ तो क्योंकि मैं साढ़े तीन साल प्राइम मिनिस्टर था मुझे पता है कि सारी डिटेल्स आए हमारी एजेंसीज़ के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की तो वो तो सब पता था तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसलत कर दिया बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो तो मेरा सवाल यह है कि अब सात महीने के बाद कोई एक भी मुझे चीज बताएं कि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी की हो मुझे एक चीज बता दें इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की इनके दौर में पब्लिश हुई उसी इकोनॉमिक हमारे दौर में नहीं हुई वो हर साल जो बताती है कि पाकिस्तान की मैशत के क्या हालात है वो इनके दौर में पब्लिश होती है और वो कहती है कि सत्रह साल के बाद पाकिस्तान हमारी तरीक इंसाफ के जो आखिरी दो साल थे सत्रह साल के बाद बेहतरीन हमारी माशी माशत की आ, 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 इजाफा हुआ उसमें पाँच इशारिया सात फीसद और छः फीसद ये सत्रह साल के बाद करोना के बावजूद यह हमारी माशत ऊपर आ रही थी उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जिसमें असल में नौकरियां होती हैं नौकरियां मिलती हैं जिसमें दौलत में इजाफा होता है वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है तो 27-26 से 27 फीसद हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के हो। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंस पैसा भेजा तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी टैक्स कलेक्शन बढ़ी और तारीख में चार फसलें जो पाकिस्तान की थी क्योंकि हमने किसानों की मदद की क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी उन्होंने अपनी साढ़े चार फीसद हमारी ग्रोथ रेट थी यानी हमारी इजाफा हुआ जरात में जो सत्रह साल के बाद था तो जब मुल्क आगे बढ़ा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया दुनिया ने माना कि यह पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस प्रौ, है कोरोना में दुनिया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिस्ट उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की उन्होंने कहा तीन मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार दो साल टॉप पे आया दुनिया में तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में क्राइसिस जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है जो कोरोना आया था दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्कों निकाला। तो वो कौन सी क्या आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों के ऊपर बैठा दिया अच्छा चला मैं मानू कि अगर आपने शायद किसी को गलत फहमी हो के शबाशरी इश्तेहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है लेकिन जी जरा आप देख लें शायद वो समझे कि साग डार जो दो दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकक्रप्ट करके गया फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकक्रप्ट थी उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि ये हम गलत तरफ जा रहे हैं यानी उनका इतम चला गया इसकूमत पर बैरून मुल्क जो कि रिस्क होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकते या नहीं वो पचासी फीसद आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता तो ना बाहर के लोगों को इस पर इतम रह गया ना अंदर किसी को इतमाद इनपे अपनी बिजनेस को भी नहीं है और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि तिरपन फीसदर्दी बढ़ गई है सात महीनों में तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का यह तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे ये तो हमारी हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की ताकि ताकि किसी तरह यह हमें मुझे डिस्कालीफाइड इलेक्शन जीत जाए इनका तो और कोई काम ही नहीं तो मैं सवाल यह पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया अब तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे यह बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है सात महीने में यह रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं क्या किसानों से पूछे जाए किसानों से पूछेंगे कि क्या हालात है उनके आज इंडस्ट्री से पूछे आज नौजवानों से पूछे आई सेक्टर से पूछे जो पचहत्तर एक्सपोर्ट हमारे दौर, दौरान बढ़ी थी आई की जो फ्यूचर है मुल्क का मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए मैं सिर्फ फिर से सवाल पूछता हूं कि कुछ तो जहनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें कुछ तो सोचा होगा कि यह कोई फायदा कराएंगे पाकिस्तान को और मैं हैरत यह है कि तीस साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है और हमारी अपनी स्टैब्लिशमेंट ने बार बार इनको करप्ट कहा है अपनी इस्टेब्लिशमेंट ने दो दो दफा निकवाला इनको नब्बे की दिहाई में जब ये इनकी करप्शन की वजह से तो वो तो मैं अभी भी मुझे मैं हैरान हूं कि कोई भी शायद मुझे इसका पता चल जाए कि कोई वजह हो या उनको कोई नजर आई हो चीज कि जो जो इनमें कोई सिफ्त हो वो शायद मुझे ना नजर आ रही हो लेकिन मैं आखिर में आज अपने सारे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ देखें ये जो वक्त है इसके अंदर आप सारी कॉम को मैं कह रहा हूँ आप न्यूट्रल नहीं हो सकते आप अगर आज न्यूट्रल हो गए आपके बच्चे पछताएंगे आपके आने वाली नस्लें पछताएंगी कि आप जब आपको अमरबल मरूफ पे चलना चाहिए था जब आपको ना इंसाफी के खिलाफ जहाद करनी चाहिए थी और आप घरों में बैठ गए इमरान खान को मैं आपको फिर से कहता हूं मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं जब मुझे पता था उसके बावजूद और जब मुझे आगे भी पता है लेकिन ये मैं बचपन से मेरे जहन में यह था कि मैं कभी गुलामी से बेहतर मर जाना है ये गुलामी है ये जो हो रहा है मैं अपना एफ आई आर नहीं रजिस्टर करवा सका एक्स प्राइम मिनिस्टर मुझे पता है किसने ये सारी साजिश की थी मुझे वो तीनों का पता है इन्होंने मिलकर की थी लेकिन मैं नहीं कर सका तो सोच ले कि आप में से कि आप आवाम में आपके पास क्या हकूक है आपके पास आपसे अगर ताकतवर जुल्म करता है आप क्या कर सकते इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है इंसानों के हकूक होते हैं भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं तो कल कह दें कि यह पाक हो गए हैं तो वो उधर ही चलेंगे इंसानों के हकूक है इंसान जब तक अपने हकूक और आजादी जब तक उ, उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता इंसानी माशरा जानवरी मानसाह बन जाता है जानवरों के माशरे में जंगल का कानून आ जाता है जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है हमारी कोशिशें हो रही हैं देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं वकील निकले हुए हैं कि बारी दुनिया के सामने आज़म स्वाति से हुआ लेकिन वो वो बेबस है उसकी वालदा अशर अरशद शरीफ शहीद की वो उन्होंने कमीशन बना दिया वालदा कहती है, मुझे इतम ही नहीं है तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ अगर उनको कमीशन पर इतम नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा और मेरे ऊपर जो, जो एफ आई आर हुई जो पुलिस ने दी है वो एफ आई आर क्या वो मजाक है वो एक आदमी के ऊपर उन्होंने काट तो तो हमें तो सबको पता है कि दूसरी तरफ से से सामने गोलियां आई दो दो मारने वाले थे तो उन्होंने तो वही केस बना दिया जनाब ये जो ये चाहते हैं स्क्रिप्ट क्या थी कि जी दीनी इंतहा पसंद है अकेला था अच्छा वो भी इतना बेवकूफ है जिन्होंने उसको पढ़ाया उस तोते को वो भी इतने बेवकूफ थे वो पहली चीज कहता कि जी मैं अकेला था कि लोगों अगर किसी को शक भी था ना कि साजिश साजिश हुई तो उसने पूरी कर दी कि हाँ जी मैं अकेला था कहीं वो शक ना पड़ जाए कि जो दूसरा जो सामने वाला था और असल वो वो ना कहीं ना शुरू हो जाए तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता मैं फिर से कहता हूं मेरी कौम आपको यहां इंसाफ नहीं मिलने लगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा और ये जो मैं और मैं अब आपको डेट देने लगा हूं। मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें अगले हफ्ते 26 को 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है मैं इंशाला आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में तो मैं ये चाहता हूं क्या हूं मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें जो आप अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी ऐसे नहीं होता अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी कुरान में कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आज़ाद हो जाएंगे हम नहीं होंगे वो वैसे ही रहेंगे तो ये वक्त है मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूँ कि आपने आना है पिंडी आपने पिंडी आना है 26 तारीख को हफ्ते को एक और दो के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला ला अमल दूंगा तरीक रुकने नहीं लगी मैं आपको अगला लाया मु दूंगा और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जिससे मर्जी आज पूछ लें आपके पास ताकत है आपकी जिम्मेदारी है जिससे पूछ लें बिजनेसमैन से पूछ लें ले, प्रोफेशनल से पूछ लें इकोनॉमिस्ट से पूछ लें किसी से भी पूछ लें अगर कोई आपको कहे कि सवाए एक हल्के साफ और शफाफ इलेक्शन इसके अलावा कोई दूसरा हाल नहीं है आप इस दल दल से निकलने का जिधर इन्होंने सात महीने में हमें लेके जा रहे हैं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास कोई प्लान ही नहीं है कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है जो बाहर की दुनिया आप सारा इतम खो बैठी है कौन सा रोड मैप है आपके पास इनके पास कोई रोड मैप नहीं है सात महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है सो लिहाजा सारी कॉम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज़ साफ और शफाफ इलेक्शन और हम अपनी हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आज़ादी की उसके बाद भी जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जो जिसमें हर इंसान के हकूक हों जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो क्योंकि वो हकूक उनको आज़ाद कर दें लोगों को क्यों नहीं बरतानिया के अंदर थाना कचहरी होती क्यों कचहरी में जुल्म ऊँ नहीं होता क्यों पटवारी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती वहाँ क्योंकि वहाँ हकूक है इंसानों के वो आज़ाद लोग हैं वो इंसाफ है उसके लिए मैं चाहता हूँ सारी कौम मिल हमारे साथ जद्द जहद और इन शब को अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी